गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अरुण सिंह एंड ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग यूट्यूब। वी आर राइट नाउ बहुत दिन के बाद ब्लॉग शुरू कर रहे हो और ब्लॉग इस बार का खास है। पीछे जो बस देख रहे हैं आप, ये बस अपना नहीं है, ये डबल डी है। डबल डी दिल्ली का है या देहरादून का है मुझे मालूम नहीं, शायद डबल डी दिल्ली का है। ये कहाँ जाएगा ये भी हमें नहीं मालूम, बट जो पीछे लोग खड़े हैं ना, ये बहुत ही खास है। ये कोई पर्सनल ब्लॉग नहीं है यूट्यूबर भैया का, ये जो ब्लॉग है ये पूरा कंपनी टूर चल रहा है और ये ब्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कंपनी में एक मेमोरी रहे। और ये ब्लॉग टोटल जाएगा भावेश सर को, भावेश सर देखेंगे कि किसको किसको शेयर करना है, कहाँ कहाँ ब्लॉग जाएगा कि नहीं। हमारे बॉस, सबके बॉस, सबके भावेश सर, हाय वाइस प्रेसिडेंट, हाय टू ऑल एंड थैंक्स टू माय टीम फॉर सच एन ग्रेट अचीवमेंट। हम लोग जा रहे हैं मनाली और इस तरह का कोई वॉल्वो बस आने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये बहुत सारा सामान और यहाँ ढेर लोग, अभी बस आता है तो बस दिखाएंगे किस तरह का बस है। और आपको दिल्ली से मनाली और वहाँ पे हम लोग का 4 दिन का प्लेजेंट स्टे है। कहाँ पे स्टे करेंगे, क्या क्या खाएंगे और क्या क्या घूमेंगे, सब कुछ बताएंगे ये चिंतन भाई बताएंगे। चिंतन भाई बताएंगे, अरे नहीं नहीं बस और सबसे इंट्रोड्यूस नाम के साथ धीरे धीरे आपको कराते जाएंगे, नाम के साथ कर देते हैं। चिंतन भाई, चिंतन पटेल फ्रॉम सूरत। सूरत भावेश मेवाड़ा फ्रॉम अहमदाबाद। राजेश भगत फ्रॉम मुंबई। विशाल मिस्त्री फ्रॉम गुजरात। अचल सोनी फ्रॉम छत्तीसगढ़। अरुण खान मिस्त्री फ्रॉम मुंबई। अरुण खान बाय औरंगाबाद। कृष्णा का टीआर पुणे। एक बार और आपका, अरुण खान औरंगाबाद। थोड़ा आवाज़ लो है इनका, अरुण खान औरंगाबाद। खाना नहीं मिला अभी तक, अभी 2 घंटे बाद रुके फिर भाई साहब खाना खाएंगे, फिर से एक बार नाम सुनेंगे। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। कैमरा बंद कर दिया था, फिर से चालू किया है, 2 लोग छूट गए हैं, एक पता नहीं नई शादी हुई है शायद। ब्लॉग में आ जाओ भाई साहब, नाम बताओ। हमारी कहानी मालव वाघेला। मेरा ब्लॉग देखा था सुबह वाला, हाँ। ये भाई साहब ने मुझसे पूछा था भाई ब्लॉग बनाते हो, मैंने बोला हाँ ब्लॉग बनाते हैं। मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा था तो मुझे समझ में आ गया भाई वो सब्सक्राइबर है। देखो बस है इधर थोड़ा सा बच के, और एक और भाई साहब छूट गए थे, जिनका नाम आपको बता दूँ। पहाड़ी वाला एरिया सर, नाम बता दो ना। हितेश। हितेश फ्रॉम? हितेश काबरा फ्रॉम बड़ोदा। बड़ोदरा, बड़ोदरा के किंग है भाई साहब। तो ये बस आ चुका है और यहाँ से चढ़ेंगे, पहले इसका ठिकाने लगा लिया जाए। रोड इस तरह से खराब हो रहा है और यहाँ पे कुछ पाइपलाइन का ऐसे काम चल रहा है। गाली कौन कौन दे रहा था, किसको किसको ब्लॉग में गाली चाहिए? कोई गाली नहीं देता ना यहाँ पे, ये बॉम्बे वाला है। नहीं ये तो भाई साहब सब सभ्य लोग है इधर, चोट इसका हक है, जन्म अधिकारी हक है। जन्म अधिकार वही तो बोल रहा ना, जन्म सिद्ध अधिकार इसको बोला जाता है भाई। अपनी अपनी कूपन ले लो याद करके, अच्छा कूपन लेना पड़ेगा क्या भाई साहब? रखो और कूपन दे दो फटाफट। खाना खाने के लिए कितने देर बाद रोकोगे? 1 घंटा। 1 घंटे के भाई साहब यहाँ पे बैग रखा जाए, देखो एक इधर अंदर बैग है और यहाँ पे बैग को अच्छे से भाई साहब जमा रहे हैं। बैग ये अपना रेड कलर का है, बड़ा मजा आया इस बैग में, पता लेना भाई कूपन ले लो। और मेरे को तो बहुत सही लगा ये, कूपन ले गया, कितने का है मैं बताऊंगा बाद में। चलो भाई साहब जल्दी जल्दी चलो। पानी
500 किलोमीटर का सफ़र पता नहीं है इसमें कैसे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। रात को नींद आने वाला है कि सो पाते हैं भाई। पेटा लोग 11 लोग हैं कि नहीं है, कोई छूटा तो नहीं? भावेश सर तो नहीं छूट गया? देखो भावेश सर किधर है? हां मेरी जान भाई 11 लोग एक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 6 7 8 9 अच्छा आप हो? एक का है, एक का है। आपका टेंशन हो रहा था। नहीं एक का मेरे भाई। अच्छा वो उधर है। ओ 11 हो गए कहीं वहां तो नहीं थोड़ा जी सीट नंबर बराबर है। अरे कहीं नहीं नहीं भाई साहब बाद में उठा देंगे, अभी जैसे ही लोग आएंगे तो अपने अपने सीट। अच्छा इस साइड आधा सीट इस साइड है, आधा साइड इस साइड है। भाई साहब हम आ जाए आपके साथ बैठ जाए? अरे किसी किसी नहीं, किसी और लोगों को बैठाना हो तो फिर अलग बात है। तो भाई साहब बोले कि यार एक अब आप में हड्डी बन गया सर, जो बैठे ना प्रमोशन हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे बहुत जरूरत है। कोई नहीं है भाई, भाई भाई ओपन ओपन है, किसी को भी सबको ओपन ओपन है इधर। तो भाई साहब ये है बस और ये हम लोग सबको बैठ गए। हाँ बहुत लोग हैं तो शोर नहीं कर सकते। तो अभी एक घंटे के बाद खाना खाने के लिए रुकेगा तो हम लोग खाएंगे खाना। और ये अनरोड वाला टी शर्ट UNROAD बस बाइक नहीं इस बार, अगली बार बाइक। बकरा कटा कि नहीं? भोज खाने वाले पहले आ गए कि भाई साहब आवाज के साथ ही है सब सब आप बोलो तो। डेल्टिन ट्रैवल्स टू ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। हेलो माइक चेक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। दिल्ली में ही है, पता नहीं कितने बाद कैमरा ऑन होगा कितना चालू होगा। इसके पीछे का राज मैं आपको नहीं बताने वाला। इसके पीछे का राज अगर आपको पता चल गया ना, ये चकना है, चकना है गाना ना, चकना पे जूता निकल के आ ही गया वहीं पे। भाई साहब इस फोटो में आप देख क्या रहे हो? तभी फोटो बताओ हमारा में ऑनर में पड़ी है। इस फोटो में कौन पसंद आ गया? ये एडी को बोल रहा हूँ। हाँ इस फोटो में ना, ओ वेरी गुड क्वेश्चन। अरे वेर इज दिस? इधर तो यार मैं दिख रहा है क्या? द हैंडसम गाय दिख रहा है तुम लोग को? द मॉडल बहुत हैंडसम। या या थैंक यू वेरी मच। बार बार उसी फोटो को देखो, फोटो निकालने वाले में मेनली कमाल की फोटो निकाल ली है दिस गाय। बोल दिया भाई, ऑर्डर दे दिया। आपका सेशन कल सर एक घंटे का, कल मॉर्निंग का सेशन अगर अच्छा सेशन है तो कल सुबह लीजिए, और पूरी ग्रांड बनने वाला सेशन है तो पिकनिक के बाद लीजिए। नहीं तो ये कल से सब ब्लॉक सब मजा किरकिरा हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आपका सेशन रखिए सर। थैंक यू। एक घंटे बस में चलने के बाद हम लोग रुके यहाँ खाना खाने के लिए, और हम लोग सभी बैठे हैं। देखो एक्चुअली है बेसिकली चार लोगों को बैठने का, हम लोग छः लोग बैठे हैं, चार पांच लोग उधर बैठे हैं। अभी फटाफट ऑर्डर किए हैं, अभी खाना खाएंगे और खाना खा के फिर बस में बैठ जाएंगे और सो जाएंगे और सुबह मनाली आएंगे। और सुबह जो दो तीन घंटे का जो दृश्य आपको दिखेगा ना, वो आपको व्यू दिखाएंगे, क्योंकि 9:30 के आसपास हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग में 6 के बाद वहाँ पे इंजोरा होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही अंधेरा छटेगा तो व्यू देखने को मिलेगा। क्यों सर मॉर्निंग का व्यू मिलेगा आप लोग को? कुछ लोग बोल रहे थे कि नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो मॉर्निंग का व्यू नहीं मिलेगा, पर 9 तक पहुँचेंगे तो 3 6 से मॉर्निंग का व्यू चालू हो जाएगा, और बहुत बढ़िया व्यू है, मिल जाएगा, फुल वैली व्यू है। मैंने होटल बहुत जबरदस्त किया है, वो कौन सा नदी गुजरता है सर वहाँ से? ब्यास नदी के एकदम सामने लगा हुआ है, तो मेरा वाला जो कमरा रहेगा एकदम बढ़िया वाला रहेगा। सबका रिवर व्यू, सबका रिवर व्यू है, तो बहुत मजा आने वाला आपको इस ब्लॉग में। तो अभी हम लोग खाना खा लेते। सो वेलकम बैक अगेन द मॉर्निंग, इट्स अ ब्राइट मॉर्निंग एंड इट्स लुकिंग क्वाइट ऑसम राइट नाउ। आई एम near to Manali. Manali यहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है। बस वाला बेवकूफ बोल रहा है कि 4 लगेगा, वो एक्चुअली यहाँ पे रोका है खाना खाने के लिए, तो चाह रहा है कि हम लोग अच्छे से भरपेट नाश्ता करें ताकि उसका कुछ बने। ऐसा है तो यहाँ से व्यू जो आ रहा है वो आ रहा है शानदार, क्योंकि काफ़ी वाइड एंगल का कैमरा है ये GoPro Max, तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा।
कि किस तरह का व्यू का आनंद हम ले रहे हैं। और इस साइड सूरज है तो अब क्लियर आ रहा होगा आवाज़, होपफुली क्लियर आ रहा होगा। नीचे व्यास नदी गुजरती है देखो आप, और ये जो पहाड़ों में खेती होती है ना, आप लोग जो समझते होंगे कि पहाड़ी लोग खेती कहाँ करते हैं क्योंकि यहाँ तो पहाड़ है, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने ना एजेस बना के रखे हैं, ऐसे ऐसे काट काट के एजेस बना देते हैं और उसमें खेती करते हैं, और वहाँ पे पानी भी जमा होता है इनका, तो इनका काम चलता रहता है। और कुछ नाश्ता करेंगे, बाकी अभी तो मन ऐसा कर रहा है कि बस जाके होटल में पड़ जाए। वहाँ का व्यू भी बहुत शानदार है, होटल का नाम अभी आ गया है तो हमने देखा, अच्छा होटल है और सामने से व्यास नदी गुजरती है तो व्यू बहुत अच्छा आएगा। इनको देखने से कुछ याद आएगा आपको? क्या याद आएगा भाई, मेरे को देखने से बताओ। अब वो देखने वाले समझ जाएंगे, बाकी सब शरीफ लोग हैं, यहाँ पे कोई सिगरेट नहीं पीता है। मैं भी एक बंदा हूँ भाई। ये खुला सुमन चाय, 30 रुपए चाय, 30 रुपए चाय, चाय 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 चाय। आलू पराठा, गोभी पराठा, मेथ पराठा मिलेगा। ऐसा चाय आपको अगर मिले ना यहाँ पे ठंड के मौसम में, जब ज्यादा ठंड हो तो सच में मजा नहीं आएगा। Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. ये वही पहाड़ी है जिसमें अभी मन्नू कुमार चढ़ाई किए थे, और वो उल्टी चोटी में जाके वहाँ से मजनू की टीला नजर आ रहा था वहाँ पे। यहाँ पे सेब के बहुत सारे आपको बगान मिल जाएंगे, और बट अभी सेब आपको मिलेगा नहीं पेड़ में क्योंकि अभी फल का समय है, फूल होता है फिर धीरे धीरे। तो देखो ये सेब का है, तो मुझे ना यहाँ पे एक सेब का बगान जाना है और दूसरा जाना है अंगूर का। तो अंगूर का तो पता नहीं भाई साहब इनके हैं, अंगूर का इन्होंने भी नहीं देखा बोला। सेब का तो आपको जनरली मिल जाएगा, बट अभी सेब उसमें लटका हुआ रहेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ का घर का जो ट्रेडिशनल है ना वो डिफरेंट ही है, आप देखो इस तरह के घर वगैरह दिख जाएंगे। अभी पूरा बिजनेस टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, छोटे छोटे समोसा मिल गया, समोसा जलेबी और फिर क्या क्या मिल जाएगा आपके यहाँ पे, मिठाई वगैरह सब दुकान वगैरह। और ये देखो भाई साहब बहुत बढ़िया वैली, यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। ये देखो टावर है, अभी तक पहुंचे नहीं, उम्मीद था कि 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा पैराग्लाइडिंग चल रहा है एक्चुअली। अच्छा गाड़ी चली जाती है वहाँ पे? गाड़ी यहाँ से आप बुकिंग करोगे, हाँ हाँ, फिर वहाँ से गाड़ी लेके जाएगा, मतलब 1000 रुपीज में वो लेके भी जाएगा, पैराग्लाइडिंग भी कराएगा, ऐसा सब पैराग्लाइडिंग 1200 का कराएगा। ओके अभी आजकल मौसम सही है ना, हवा नहीं चल रहा है तो सीजन है, लाइफ का रिस्क तो नहीं रहता उसमें, लाइफ का रिस्क तो नहीं रहता। तो साथ में एक और बंदा रहता है, साथ में एक बंदा रहता है जो पायलट होता है ना, हाँ वो रहता है। तो भाई साहब हम लोग करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये सब जो वैली में आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये सब पेड़ एप्पल के हैं, शिमला एप्पल के। अभी आप अगस्त सितंबर में आओगे ना तो यहाँ पे आपको एप्पल लगे हुए मिलेंगे, आप आराम से तोड़ के खा सकते हो, बहुत आसानी से आपको एप्पल मिल जाएगा। और ये देखो आप ऊपर देख सकते हो पैराग्लाइडिंग चल रहा है, हम लोग भी करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग। और यहाँ से भाई साहब कितना दूर है अपना मनाली? मनाली अभी 25 किलोमीटर बस 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 पहुँचने वाले हैं, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। कल रात से बैठे हुए, कल मॉर्निंग 5:40 से ट्रैवल कर रहे, 4 बजे उठ गए थे।
वंदे भारत का एक्सपीरियंस अच्छा था, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसमें, बट मज़ेदार था। तो भाई साहब जा रहे हैं और हम चल दिए आगे मनाली की तरफ। तो यहाँ से देखो बहुत बढ़िया व्यू आएगा, सामने पूरा बर्फ़ वाला पहाड़ दिखेगा जो मैं ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुका हूँ लास्ट जब हम लोग गए हुए थे। तो ये सब जो ये देखो तो इस तरह का व्यू मेरे लिए कॉमन है, बट जो लोग इस जगह एरिया पे पहली बार आते हैं तो उनके लिए बहुत ये होता होगा, क्योंकि मैं तो अभी पूरा इंडिया घूमा तो उसमें ये सब व्यू बहुत कॉमनली मैंने देखा है। तमाम इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो मैं बोलता हूँ वो घूमा है मैंने, लेह लद्दाख घूमा है, शिमला नहीं आया चलो चलो बैग बहुत गंदा हो गया है, बट आने वाला है बहुत मजा। होटल के जस्ट सामने रुका है अपना बस। नमस्कार, ये देखो धोनी के फैन। धोनी का हाल चाल? धोनी बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिंदास। धोनी बदला तो नहीं? बिंदास नहीं, नहीं नहीं बदला मेरे भाई, वैसे का वैसा ही तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। क्या बात है, क्या बात है, जियो मेरे शेर। भाई साहब अंदर आ गए होटल के और ये देखो यहाँ से जो व्यू आने वाला है वो जबरदस्त आने वाला है। बैग को छोड़ो और व्यू का आनंद लो। अरे वाह, ये देखो ये यहाँ से ब्यास नदी गुजरती हुई और यहाँ से जो व्यू है ना बहुत ही शानदार है, जबरदस्त बढ़िया लगा। सर कैसा लगा व्यू? तो भाई साहब रूम का की हमने खोल लिया है और आपको रूम का व्यू दिखाने वाले हैं। सो बहुत ही मजा आने वाला, लाइट जला ले एक मिनट। ओके सो अपने पास ये हो गया, अभी रूम दिखाए थे आपको, ये रूम है और ये यहाँ पे बैठ के आप कुछ खा पी सकते हो, और ये अपना रेड कलर का बैग और ये मिरर और व्यू का आनंद आपको दिखा देते हैं। रूम से जो व्यू है बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये टीवी और ये बाथरूम, सबसे पहले देखिए बाथरूम बहुत ज़रूरी है, पता है लोग बाथरूम ही देखना पसंद करते हैं। ये देख लो, ये आप अंदर नहा सकते हो और ये यहाँ पे पता है आपको क्या किया जाता है, और यहाँ बाल बाल सब लॉकर जिसके पास पैसे हैं वो लॉकर भी रख सकते हैं। और अब हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा। जो आपको मैंने नीचे से दिखाया था, जो आपको नहीं दिखा था वो आपको यहाँ से मज़ा आ गया, मज़ा आ गया तो ये व्यू देखने को मिलेगा। तो होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग नहा धोवा करके हम लोग घूमने जाएंगे उसका स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते जाओ अगर ब्लॉग देखना है तो, आप उसका सब्सक्राइब ना बढ़ता नहीं है ना, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। हो सकता है आपको मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आता हो, हो सकता है पसंद आता हो, जिसको पसंद आता हो वो शेयर करो, जिसको नहीं पसंद आता हो मत देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ओके भाई साहब, टेंशन में गाड़ी लगी लगता है।